Hello, good morning to all of you. I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a learning theory, the latest learning theory in the field of psychology, that is connectivism. It is also called as digital age learning theory, and the lecture will be in bilingual mode and must be useful for various teaching examinations. Okay, so start karte hain. Kaise aaya connectivism? Abhi tak to connectivism ki baat nahi ho rahi thi. Hum log to zyadatar abhi tak behaviorism, cognitivism aur constructivism par hi baat kar rahe the. Connectivism nayi theory hai. Kam log jante hain iske bare mein, lekin bahut you can say ki bahut hi interesting hai aur humko janna chahiye, samajhna chahiye ki kaise connectivism ka pradurbhav hua, kya cheeze behaviorism, cognitivism aur constructivism nahi bata pa rahe the. Matlab ye teen the jo learning theory hai, unhone mostly psychology aur educational psychology ko impact kiya. Aap jitna bhi hum apne classroom teaching mein modification dekhte hain, wo behaviorism, cognitivism aur constructivism ka hi natija hai. अब हम यहाँ पे व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और संरचनावाद पर बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम अपने पथ से भटक जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. बिहेवियरिज्म पर मेरा वीडियो है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी है, कॉग्निटिविज्म पर बस नहीं है. तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी. तो हम सिर्फ ये जाने यहाँ पे क्विकली कि कैसे कनेक्टिविज्म आई है, कैसे इसका उद्भव हुआ है, क्या इसके पीछे की वजह थी, क्या चीजें ये पिछली जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज थी वो मिस कर रही थी. तो बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म व्यू नॉलेज एज एक्सटर्नल टू द लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस एज द एक्ट ऑफ इंटरनलाइजिंग नॉलेज, है ना. अगर हम क्विकली रिव्यू करें तो हम ये मानते हैं, ये पता चलता है हमको कि जो व्यवहारवाद है और संज्ञानवाद है वो क्या मानते हैं कि जो ज्ञान है वो एक्सटर्नल कहीं है, लर्नर के एक्सटर्नल है, मतलब लर्नर के अंदर नहीं है. एंड द लर्निंग प्रोसेस एज द एक्ट ऑफ इंटरनलाइजिंग नॉलेज, और लर्निंग प्रोसेस क्या है, जो सीखने की प्रक्रिया क्या है, वो हमको ज्ञान को इंटरनलाइज करना है. जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कह रहा है कि नॉलेज जो है वो लर्नर ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि नॉलेज लर्नर के अंदर ही है और उसको कंस्ट्रक्ट करना है. जबकि बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म मानते हैं कि नॉलेज लर्नर से एक्सटर्नल कहीं है, उसके कहीं बाहर है. क्योंकि बिहेवियरिज्म वाले तो सिर्फ और सिर्फ वातावरण की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉग्निटिविज्म ने वातावरण के साथ साथ इंटरनल प्रोसेसेस को भी उसमें इंक्लूड किया है. जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म उससे एक और हाथ आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब नॉलेज कहीं उसके अंदर है और नॉलेज जो है वो खुद लर्नर कंस्ट्रक्ट करेगा. यहाँ पर एक और बेसिक अंतर बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म में है जो हम अक्सर मिस करते हैं कि जो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म है वो एक मेजर फिलोसॉफिकल पैराडाइम ऑब्जेक्टिविज्म के अंतर्गत आता है, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म इंटरप्रिटिविज्म के अंतर्गत आता है, या आप कह सकते हैं सब्जेक्टिविज्म के अंतर्गत आता है. कैसे? बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म में चूंकि लर्नर का खुद रोल नहीं है उसमें मेजर, इसलिए वो ऑब्जेक्टिवली नॉलेज को परसीव करता है. लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्नर खुद उस पर एक्ट कर रहा है, खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, इसीलिए ये सब्जेक्टिविज्म या इंटरप्रिटिविज्म के अंतर्गत आता है. ओके, तो कंस्ट्रक्टिविज्म सपोर्ट्स क्या करता है, क्या कहता है ये कि लर्नर्स आर एक्टिवली अटेम्प्टिंग टू क्रिएट मीनिंग, है ना. जो हमारा सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, वो एक्टिवली यानी कि सक्रियता पूर्वक कार्य करता है ताकि वो मीनिंग मेकिंग कर सके, यानी कि अर्थ निकाल सके जो भी उसके इर्द गिर्द नॉलेज है. फिर बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म आर दी थियरीज दैट वर डेवलप्ड इन अ टाइम व्हेन लर्निंग वाज नॉट इंपैक्टेड बाय टेक्नोलॉजी. सबसे खास बात हमको ये ध्यान देनी है कि संज्ञानवाद, व्यवहारवाद और संरचनावाद का जब उद्भव हुआ, ये लर्निंग थियरीज जब जिस समय की लर्निंग की बात कर रही थी उस वक्त तकनीकी नहीं थी, या थी भी तो बहुत नॉमिनल, उसका कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं था कि हम तकनीकी को जोड़ सकें कि वो कैसे लर्निंग को इम्पैक्ट करेगा. थियरीज दैट डिस्क्राइब लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ अंडरलाइंग सोशल एनवायरमेंट्स, यानी कि सिद्धांत जो कि सीखने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं और प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं, उनको जरूर जो सामाजिक ताना बाना चल रहा है उसका एक प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उसका एक प्रतिदर्श होना चाहिए. तो बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म डू नॉट एड्रेस लर्निंग दैट अकर आउटसाइड ऑफ पीपल, बात हो गई है.
और लर्निंग दैट इज स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड बाई टेक्नोलॉजी. आजकल के जमाने में तो लर्निंग पूरा पूरा टेक्नोलॉजी से गवर्न हो रही है ना. एंड दे ऑल्सो फेल टू डिस्क्राइब हाउ लर्निंग हैपन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए पहली बार कनेक्टिविज्म में ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने इख्तियार कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है लर्निंग नेटवर्क के अंतर्गत. नॉलेज, फिर पीपल, फिर ऑर्गेनाइजेशन. अभी आगे समझ लेंगे कि कैसे होता है ये. तो मतलब कि जो व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और संरचनावाद हैं, ये उस वक्त की थेरीज हैं जब टेक्नोलॉजी नहीं थी समाज में. तो ये उस टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को चूंकि इंक्लूड नहीं करती है, इसलिए जरूरत हुई कि एक नई लर्निंग थेरी आए जो हमको बताए कि लर्निंग कैसे हो रही है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में. क्योंकि टुडेज इज किस तरीके का संसार हो गया है, सब कुछ तकनीकी से गवर्न है, सब कुछ उसी से निर्धारित है, वही सब कुछ प्राइमरी फैक्टर है. तो हिस्ट्री अगर जाने, जैसे ही आप कनेक्टिविज्म की हिस्ट्री जानेंगे, आपको इसको तुरंत मूक से रिलेट कर लेंगे. क्योंकि वही दो विज्ञान मतलब एजुकेटर्स हैं, थियरिस्ट हैं, जिन्होंने मूक का निर्माण किया, उन्होंने ही कनेक्टिविज्म बताया. या आप कह सकते हैं पहले कनेक्टिविज्म बता के उसका एप्लीकेशन उन्होंने मूक पर दिया है. मूक मीन्स मैसिव ओपन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. तो कनेक्टिविज्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2005. देखिए लेटेस्ट थ्योरी है, अभी बहुत समय नहीं हुआ इसको आए हुए. लिटरेचर के हिसाब से देखें तो बहुत ही नई है. टू थ्योरिस्ट कौन कौन से, दो थ्योरिस्ट हुए हैं, जॉर्ज साइमंस एंड स्टीफन डाउन्स, है ना. हम तुरंत रिकॉल कर सकते हैं कि यही नाम हमने मूक में भी सुने हैं. साइमन कौन सा आर्टिकल लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कनेक्टिविज्म लर्निंग एज ए नेटवर्क क्रिएशन. देखिए ये बता रहे हैं कि ये जो संयोजनवाद है, ये जो कनेक्टिविज्म चल रहा है, उसमें लर्निंग को ये नेटवर्क क्रिएशन के रूप में देखते हैं. कि लर्निंग अब कुछ नहीं है, सिर्फ नेटवर्क. अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं दिया है, अगर आप अपने मन में सोचिए, तो जैसे ही हम देखते हैं लर्निंग का नेटवर्क का क्या मतलब, कि कई चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना. तो ये आगे बताते हैं कि नोट्स क्या हैं और लिंक्स क्या हैं, और उन्हीं नोट्स के आपस में लिंकेजेस से लर्निंग हो रही है. तो ये आर्टिकल ये पब्लिश करते हैं 2004 में. और डाउन साहब जो हैं, उनका आर्टिकल आ रहा है एन इंट्रोडक्शन टू कनेक्टिव नॉलेज, वाज पब्लिश्ड इन द फॉलोइंग ईयर. यानी कि 2004 में कनेक्टिविज्म पे आर्टिकल आ रहा है, 2005 में कनेक्टिव नॉलेज पे आ रहा है आर्टिकल. और यही दोनों लोग मिलकर कनेक्टिविज्म को शुरुआत कर रहे हैं साइकोलॉजी में, है ना. हाउएवर ईच हैज अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू पॉइंट. यानी कि थोड़ा सा दोनों लोगों के व्यू पॉइंट में थोड़ा सा अंतर है. क्या अंतर है, साइमन कह रहे हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ कनेक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि संयोजनवाद का सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, जबकि डाउन साहब कह रहे हैं नॉन ह्यूमन अप्लायंसेस एंड मशीन बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं. अच्छा, पहली बार कनेक्टिविज्म में आप पाएंगे कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के बीच में कनेक्शन है और लर्निंग हो रही है. देखिए इसके पहले कहीं नहीं था, ह्यूमन ह्यूमन के बीच में ही कनेक्टिविटी शो करके लर्निंग हो रहा था, या सिमुलेशन सॉरी कनेक्शन हो रहा था, ये आप कह सकते हैं एसोसिएशन हो रहा था, कंडीशनिंग हो रही थी, या उसका एनवायरनमेंट के लिए हो रहा था. लेकिन नॉन ह्यूमन क्यों, क्योंकि अब मशीन लर्निंग आ गई है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है. तो हम किसी भी ऐसे डिवाइस से कनेक्ट होंगे अगर जो हमको लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है, तो लर्निंग हो जाएगी. इसलिए पहली बार नॉन ह्यूमन अप्लायंसेस भी लर्निंग के दायरे में आ रहे हैं. किसके अंतर्गत, कनेक्टिविज्म के अंतर्गत. ठीक है, डेफिनेशन जाने हम कैसे इसको डिफाइन किया गया है. स्टीफन डाउन ही इसको 2007 में डिफाइन करते हैं और लिखते हैं कि एट इट्स हार्ट, मतलब इसके हृदय में, केंद्र बिंदु में, इसके एकदम मेन पॉइंट इसका क्या है, कनेक्टिविज्म इज द थीसिस दैट नॉलेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शन. देखिए बार बार बात आ रही है नेटवर्क की, बार बार बात आ रही है कनेक्शन की, इसीलिए नाम कनेक्टिविज्म है. और नेटवर्क क्या है, नोड्स के बीच में नेटवर्किंग है. नोड्स क्या है, कोई भी लर्निंग रिसोर्स, पीपल हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, आपका कोई ई रिसोर्स हो सकता है, वो सभी नोड्स हैं. और वो नोड्स आपस में जब जब जुड़ते हैं तो लिंकेजेस होते हैं, और इसी नेटवर्क से नॉलेज का क्रिएशन हो रहा है. तो ये कहते हैं नॉलेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस, एंड देयरफॉर दैट लर्निंग कंसिस्ट्स ऑफ द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एंड ट्रावर्स दोज नेटवर्क्स. यानी कि लर्निंग कुछ नहीं है, क्या है वो योग्यता है कि हम इस तरीके के नेटवर्क से जुड़ पाए और हमारी लर्निंग हो जाए. देखिए हम इसीलिए हम जब बिहेवियरिज्म पे पहली बार लर्निंग की बात की थी, तभी हमने बताया था कि लर्निंग की डेफिनेशन हर बार इज्म के हिसाब से बदल जाएगी. बिहेवियरिज्म में लर्निंग दूसरी है, कॉग्निटिविज्म में दूसरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म में दूसरी, और कनेक्टिविज्म में पहली बार लर्निंग क्या है, नेटवर्क ऑफ कनेक्शन. कैसे आपको यही सीखना है कि आपको किस नेटवर्क से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कहाँ से नॉलेज पा सकते हैं, यही सीखना है. क्योंकि नॉलेज ही नॉलेज है, हर जगह भंडार है, सूचना इतनी है कि हम सूचना के तले मतलब दब चुके हैं, लेकिन उसमें से सारी सूचनाएं सही नहीं है, मिथ्स हैं, र्यूमर्स हैं. तो हमको यही जानना है, यही लर्निंग है कनेक्टिविज्म में, कि हम कब, कैसे, कहां सही नोट से जुड़ेंगे.
है. देन दीज कनेक्शन इंक्लूड दोज वी मेक विद टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज सच एज सोशल मीडिया एंड डेटा बेसिस विच प्रोवाइड सिग्निफिकेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. सारा कुछ लर्निंग तो सोशल मीडिया से हो जा रहा है हमको, है ना. तो हम क्या कैसे हमको यही टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स तय करना है, इंक्लूड करना है कि सोशल मीडिया या डेटा बेस से हम जुड़े और सिग्निफिकेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमको मिल जाए. ये डिफाइन हो रही है WGU 2021 में. WGU क्या है? वेस्टर्न गवर्नर्स यूनिवर्सिटी है. बहुत अच्छा इस पे आर्टिकल मिलता है, मतलब आप जब भी इसकी साइट पे जाइए बहुत बढ़िया मैटर रहता है हमेशा. देन कनेक्टिविज्म पॉजिट द कंसेप्ट ऑफ नोट्स एंड लिंक्स. देखिए पहली बार आया है ना, नोट्स एंड लिंक्स की बात हो रही बार 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 बार. क्या है नोट्स एंड लिंक्स? लर्नर्स एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर नोट्स. बताया ना मैंने कि कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज जो हमको नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है वो नोट्स है. वो कुछ भी हो सकता है ना, ई बुक, आपका वेब पेज, आपका विकिपीडिया, आपका सोशल मीडिया, एनीथिंग. और लर्नर तो है ही. व्हाइल द कनेक्शंस आर द लिंक्स, और जब ये आपस में जिस तरीके से जुड़ते हैं वो जो कनेक्शंस हैं वो लिंक्स हैं. इन दिस थियरी लर्निंग इन्वॉल्व्स नोइंग वेयर टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन यू नीड. ये भी बात हो गई कि लर्निंग यही है कि हम पाए, हम जान जाए कि हम सूचना को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ना. जैसे आजकल बात हो रही है प्लेगरिज्म की, आपसे कहा जा रहा है कि आपको प्लेगराइज टेक्स्ट नहीं लिखना है या आपको कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं यूज करना है. तो फिर बात होगी कि कहाँ से हम वो मटेरियल ढूंढे जो कॉपीराइट से फ्री हो. तो बात होती है क्रिएटिव कॉमन्स की, बात होती है OER की, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. तो इसकी भी हम लोगों को इतने सारे वेबिनार और FDP और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है कि हाउ टू सर्च मटीरियल विच इज नॉट अंडर कॉपीराइट एक्ट, हाउ टू सर्च इमेजेस विच आर फ्री ऑफ कॉपीराइट एक्ट. तो यही लर्निंग है कि कैसे वो चीज ढूंढ ले. ढूंढना लर्निंग है, क्योंकि हर जगह नॉलेज ही नॉलेज. पहले क्या था कि नॉलेज इतनी कम थी, उसके सोर्सेज इतने कम थे, वही एक बुक थी उसकी को पढ़ना था, और अब तो इतना कुछ है कि आप सोच नहीं सकते, असीमित. हम लोगों ने कल बात की थी ना कि जो हाफ लाइफ ऑफ लर्निंग है वो श्रिंक हो रही है, यानी कि बहुत जल्दी सूचना रिडंडेंट हो रही है. यानी कि आज जो सूचना है वो कल बर्बाद है, वो ऑब्सोलीट है, उसका कोई रोल नहीं. कल नई सूचना आ जाएगी, नया ज्ञान आ जाएगा. ओके, इसलिए हमको अपडेटेड रहना है. इन दिस थ्योरी लर्निंग इन्वॉल्व्स नोइंग वेयर टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन यू नीड. इट इज अबाउट नोइंग विच नोड यू नीड टू कनेक्ट विद एंड हाउ टू गेट देयर. हमको यही जानना है कि हमको किस नोड से कनेक्ट होना और उस नोड तक हम कैसे पहुंच सकते हैं. ओके, देन प्रिंसिपल्स. कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं जिसको ये फॉलो करता है, जिस पर ये बेस्ड है. 8 प्रिंसिपल्स हैं ये. लर्निंग एंड नॉलेज रेस्ट इन द डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस. आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप सही हैं. क्यों? क्योंकि डिफरेंट नोड से आपको जुड़ना ही जुड़ना है. नहीं जुड़ेंगे तो आप अज्ञानी रह जाएंगे आज के युग में. तो और हर जगह ओपिनियन आपको दूसरा मिलेगा. लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग. हमको जुड़ना है, मतलब अगर आप सोशल मीडिया नहीं यूज करते हैं तो आप बहुत सारी बातों से अनजान रह जाएंगे. मतलब हो सकता है कि आप सुकून में रहें, ना, यू कैन से, या आप गलत सूचनाओं से बचे रहें. लेकिन सही सूचना भी है, हमको सिर्फ सही सूचना और गलत सूचना के बीच में अंतर करना सीखना है. लेकिन हमको डिसकनेक्टेड नहीं रहना है, कनेक्टेड रहना है. लर्निंग मे रिसाइड इन नॉन ह्यूमन अप्लायंसेज. बात हो गई आपसे, क्योंकि मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हमको नॉन ह्यूमन अप्लायंस में भी लर्निंग है आजकल. लर्निंग इज मोर क्रिटिकल देन नोइंग. सिर्फ जानने से ज्यादा क्रिटिकल लर्निंग है. ये बात ब्लूम साहब भी कह चुके हैं कि नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन उनका सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, उसमें भी वो नॉलेज को लोएस्ट कॉग्निटिव लेवल का दर्जा दे रहे हैं. तो ऑब्वियसली लर्निंग इज मोर क्रिटिकल देन नोइंग. देन नर्चरिंग एंड मेंटेनिंग कनेक्शंस आर नीडेड फॉर कंटिन्यूअल लर्निंग. यानी कि रोल ऑफ टीचर क्या है? स्टूडेंट भाई खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद ही नोट से जुड़ रहा है, जुड़ जा रहा है, उसके पास सूचना ही सूचना है, सब कुछ है. तो हम क्या करें? हम करेंगे क्या? नर्चर करेंगे उसके कनेक्शन को, मेंटेन करेंगे उसके उसका कनेक्शन जो सही कनेक्शन है, और उसको गलत कनेक्शन से जुड़ने से मना करेंगे या उसको विरोध प्रदर्शित करेंगे या उसको समझाएंगे कि ये गलत है, यहाँ से हटिए और जो सही है वहाँ जुड़िए. देन द एबिलिटी टू सी कनेक्शंस बिटवीन फील्ड्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स इज अ कोर स्किल. और यही योग्यता एक कोर स्किल बन जाएगी कनेक्टिविज्म में, कि आप कहाँ सही फील्ड आइडिया और कंसेप्ट से जुड़े. देन एक्यूरेट अप टू डेट नॉलेज इज द एम ऑफ ऑल कनेक्टेड लर्निंग. हम कह रहे हैं ना कि नॉलेज जो है वो बहुत जल्दी जल्दी रिडंडेंट हो रही है, तो हमको बहुत जल्दी जल्दी सीखते रहना, अपडेटेड होते रहना है कि अच्छा ये हमारी फील्ड में नया आ गया, ये हमारी फील्ड में नया आ गया, है ना. तो ये हमको हमारे सोशल मीडिया और डेटाबेसेस प्रोवाइड करते ही रहते हैं. फिर डिसीजन मेकिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस. क्यों डिसीजन मेकिंग? क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि विच नोड यू हैव टू कनेक्ट. इसलिए आपको डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी प्रोसेस है कि कहाँ कनेक्शन. तो कनेक्शन ही है, आप नहीं भी चाहेंगे तब भी जुड़ जाएंगे या जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा कनेक्शन सही है और कौन सा कनेक्शन आपके लिए इम्परफेक्ट है. देन आप एज अ टीचर कैसे एक कनेक्टिविस्ट क्लासरूम का निर्माण करें, कैसे आप कनेक्टिविज्म को क्लासरूम में अप्लाई करें. तो
सबसे पहली बात यूज ऑफ सोशल मीडिया है ना, जरूर आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, ब्लॉग्स इस तरीके का बना के रखिए, और कुछ नहीं तो आप ब्लॉग पे आप एक पोस्ट कर दीजिए कि ये ऐसा चल रहा है, इस पर आप अपने विचार दीजिए। कुछ नहीं तो जैसे आजकल अग्निवीर चल रहा है, इस पर इतना यू कैन से मतलब दंगा बवाल हो गया देश में, तो हम इसके पक्ष विपक्ष में बात करा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। हम ट्विटर पे कोई भी इस तरीके का लॉजिक डिबेट करा सकते हैं कि आप इस पे अपने पक्ष रखिए, इस पे क्या पक्ष और विपक्ष में अपनी बात रखिए, या कोई भी बात मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आप रखिए, वहाँ बात करिए, तो इससे कम से कम व्यू पॉइंट निकल कर आएगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगी, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन मिलेगा आपको, और सब इंटरकनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। तो कनेक्शन इज द मोस्ट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कनेक्टिविस्ट क्लासरूम। तो हमको अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कनेक्टिविज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, या आप अपने स्टूडेंट्स को नई थ्योरी से समकक्ष रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कनेक्शंस बनेंगे और लर्निंग होगी। देन गेमिफिकेशन, ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आया है कनेक्टिविज्म में, गेमिफिकेशन, यानी कि आपको क्या करना है, यूज ऑफ गेम लाइक टेक्निक नॉन गेम लाइक सिचुएशन। यानी गेम में क्या होता है कि कोई जीत रहा है तो उसको इनाम मिल रहा है, ऐसा हम जनरली ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग में नहीं करा सकते। लेकिन अगर बहुत सारे ऐप हैं इसके, आपको पता ही होगा, डुओलिंगो है, काहू तो बहुत फेमस है, बहुत इजी भी है, गेम की ट्रा है जिसमें कहता है कि आप जीत रहे हैं, याहू आपने इतने पॉइंट्स अर्जित कर लिए, इस तरीके का, तो हमारा जो लर्निंग है वो इंटरैक्टिव हो जाता है, हर कोई जुड़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि स्क्रीन पे उसका नाम टॉप पोस्ट पर दिखाई दे। Then simulation, it engages students in deep learning that imparts understanding as opposed to surface learning that only requires memorization. यानी कि हमको सिर्फ स्मृति लेवल पे नहीं जाना है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग और देन रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ना, तो मेमोरी तो सबसे नीचे लेवल का है ही, तो हमको सिमुलेट करना है स्टूडेंट्स को ताकि वो डीप लर्निंग एक्टिविटीज में इंगेज हो सके। ओके, तो अगर हम इस तरीके की एक्टिविटीज अपने क्लासरूम में कराते हैं तो हम कनेक्टिविज्म को फॉलो कर रहे हैं। कंक्लूड कैसे करें, क्या हम कंक्लूड करें कनेक्टिविज्म के बारे में, तो कनेक्टिविज्म इज डिफाइंड एज एक्शनेबल नॉलेज वेयर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर टू फाइंड नॉलेज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन आंसरिंग हाउ और व्हाट दैट नॉलेज एनकंपासेस। इतना इंपॉर्टेंट है सही नॉलेज ढूंढना, देखिए नॉलेज उसमें क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सही ढूंढ पाए, क्योंकि गलत सूचना के संप्रेषण से कितनी ही हानि हो सकती है हम सभी जानते हैं। तो एक्शनेबल नॉलेज, लर्नर खुद एक्ट कर रहा है नॉलेज के ऊपर। एज द नेम इंप्लाइज दिस थ्योरी फोकसेस ऑन द कनेक्शंस वी मेक एज लर्नर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कनेक्टिविज्म में, कनेक्शन है। फिर कनेक्टिविज्म प्रेजेंट्स अ मॉडल ऑफ लर्निंग दैट एक्नॉलेजेस द टेक्टोनिक शिफ्ट इन सोसाइटी वेयर लर्निंग इज नो लॉन्गर एन इनफॉर्मल इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, है ना, यानी कि हम इंडिविजुअलिस्टिक होके नहीं रह सकते, हम इनफॉर्मल होके नहीं रह सकते, हमको जुड़ना ही है, कनेक्शंस बनाने ही हैं, बस हमको सही कनेक्शंस बनाने हैं, इस तरीके की लर्निंग की ये बात करता है कनेक्टिविज्म। और कनेक्टिविज्म प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू लर्निंग स्किल्स एंड टास्क्स नीडेड फॉर लर्नर्स टू फ्लरिश इन ए डिजिटल एरा। सारी बातें डिजिटलाइजेशन पे हो रही है, सारी बातें टेक्नोलॉजी पे हो रही है, सारी बातें ICT पे हो रही है, तो कनेक्टिविज्म हमको उस तरीके की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिससे कि हम एक डिजिटल एरा के लर्नर बन सके, डिजिटल एरा के टीचर बन सके। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविज्म। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन टू गेट लर्निंग मटीरियल। यू कैन आस्क योर क्वेरी देयर, यू कैन प्रोवाइड फीडबैक मी देयर। एंड हम कैसे समअप कर सकते हैं कनेक्टिविज्म को, कि सबसे लेटेस्ट लर्निंग के लिए तो जरूर जरूर हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, डन फ्रॉम माय साइड।